प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त न मिलने पर दिया था शिकायत पत्र। जब पता चला कि खाते में पैसा आ चुका है तो ले ली शिकायत वापस। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के मोहल्ला खड़गजीत नगर का है, जहां रेखा बाथम ने एक शिकायती पत्र दिया था जिसमें शिकायत की थी कि कुछ लोग उससे 20,000 रुपए मांग रहे हैं, जिसकी शिकायत डूडा ऑफिस के कर्मचारी विक्रम व एक अन्य व्यक्ति के नाम शिकायत की थी। उसे नहीं मालूम था कि उसके खाते में पैसा आ चुका है, जिसके बाद जब उसे पता चला जिन लोगों की हम शिकायत कर रहे हैं वह लोग निर्दोष हैं और वे लोग बेवजह मेरी वजह से फंस रहे हैं, लिहाजा हम अपने पत्र के लिखित और मौके वापसी चाहते हैं। पत्र लिखकर परियोजना अधिकारी को लिखित पत्र दिया है और उन लोगों की निर्दोष होने की बात कही है। मिली जानकारी के अनुसार महिला ने लोगों के बहकावे में आकर एक शिकायत पत्र परियोजना अधिकारी को दिया था। आज ये आप जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्या कारण है इसका, क्या संदेश? क्या नाम है आपका? रेखा बाथम। क्या आपने जो आरोप लगाए थे, क्या पूरा मामला है? मेरे पैसे नहीं आ रहे थे, इसी मैंने गुस्से में बोल दिया था। विक्रम सर और धर्मेंद्र सर एक सुर हैं, उनके ऊपर मैंने गुस्से में बोल दिया था। जैसा कि आपने आरोप लगाए थे कि उन्होंने पैसा मांगा है, ये सब क्या है? पैसे तो जैसे मांगे थे पर वो हमने गुस्से में बोल दिया था। ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग निर्दोष हैं क्या? हाँ, ये लोग निर्दोष हैं। आपने इस संबंध में जैसे जो शिकायत की है वो क्या आप वापस लेना चाहते हैं? हाँ जी, हम वापस लेना चाहते हैं। ठीक।